के साथ खिलवाड़ होना है और किसकी अस्मिता ठीक है। सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, ये राज घराने से हैं, इनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ ना हो। एक महिला मार्शल जो अपना दायित्व पूरा कर रही है उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो तो कोई बात नहीं। और इन्होंने कहा जो भी कृत्य हुए, जैसे डेस्क पे खड़ा होना, चेयर पे फाइल फेंक देना, नारेबाजी लगाना, ये सही है। तो मैं कांग्रेस से इतना ही कहूंगा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, एक पार्लियामेंट आप अपनी बनाइए, वहां पे हथगोले लेके जाइए, नकल डस्टर लेके जाइए, गुम्मे लेके जाइए, एक दूसरे को मारिए, सर फोड़िए, लेकिन भारत के लोकतंत्र को आप कृपया करके अपमानित मत करिए। और एक बात और चित्रा जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप मुझे ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था तो नहीं है, इनसे नहीं पूछूंगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया है अभी कुछ ही दिन पहले, उसमें ये लिखा है कि एक सांसद की क्या जिम्मेदारी होती है और क्या उसको इम्यूनिटी है जब वो इस तरह के उपद्रवियों वाला व्यवहार करे। मैं एक लाइन पढ़ देता हूं, अगर सर्वोच्च न्यायालय में आस्था हो तो ये आईना कांग्रेस पार्टी के लिए है, आम आदमी पार्टी के लिए है और टीएमसी के लिए है। और लाइन मैं कोट कर रहा हूं, हिंदी में ट्रांसलेट है, नतीजतन बर्बरता के कृत्यों को भाषण की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं कहा जा सकता है और इससे विधानसभा की कार्रवाई नहीं कहा जा सकता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। ये क्यों कहा है? क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं या एमपी हैं, जब इनके तर्कों में वजन नहीं होता तो ये इस तरह के उपद्रवियों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। तर्क में वजन नहीं होता है, इस वजह से ऐसी स्थिति पैदा की जाती है। सुप्रिया श्रीनी जी, सदन के भीतर ऐसा है चित्रा जी, हमारी बहस होती रहेगी, हमारे मतभेद भी होंगे, हम जरूर अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में होने के नाते जो आपके शो पर अभी कहा गया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आप बोल कर इस देश से माफी मांगनी चाहिए। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आपको लोग देख रहे हैं, आप सार्वजनिक जीवन में भाजपा का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप सत्ता पक्ष के होकर यहाँ पर आपसे कहते हैं हथगोले तोड़िए, नकल बस्तर ले जाइए, सर तोड़िए, ये क्या बातें हो रही है? ये कौन सी मानसिकता से आप सरकार चला रहे हैं? ये कौन सी मानसिकता से आप राजनीति में है, ये मैं जानना चाहती हूँ। सबसे पहले इसके लिए माफी मांगी जाए, मैं इसका पुरजोर हत्या करती हूँ। ये गलत कहा गया यहाँ पर, हिंसा की सार्वजनिक जीवन में बात नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से बात को कहूंगी, उस व्यक्ति को आग जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। वो मांगेगी कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं दूसरी बात कहूंगी और ये बात मुद्दे की बात है। दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी कि सरकार से पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद होकर 60% इस देश का वोट लामबंद होकर पूछता रहा, आपने जासूसी करके राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों किया? कोई पटक सन्नाटा एक सब नहीं बोला गया। किसानों पर हमने कहा काले कानूनों पर जिक्र करिए, इन्होंने किसान सोल्यूशन एंड चैलेंजेस पर डिबेट लग दिया, हमने कहा हम इसका बहिष्कार करते हैं। हमने कहा महंगाई की बात करिए तो मोदी जी महंगाई के नाम से पलट गए। मैं फिर से पूछना चाहती हूँ, आज ये पूरा देश जानना चाहता है कि एक शब्द भी मोदी जी ने जासूसी पर क्यों नहीं कहा? क्योंकि मंत्री जी जो कहकर गए उनकी तो खुद की जासूसी हो रही थी। आज तमाम अदालतों ने, विश्व में तमाम देशों ने, मंत्री कहीं बाहर से तो आए नहीं थे। सुनिए ना सुप्रिया जी, मंत्री कहीं बाहर, सरकार का ही हिस्सा थे ना। अगर सदन के भीतर कोई भी मंत्री इस तरह की बातें कहता है तो क्या आप उसको हल्के में ले सकती हैं कि नहीं वो देश को गुमराह कर रहे हैं सदन के भीतर? आपको उनकी बातों पर क्यों नहीं भरोसा है? हाँ मैं आपको बताती हूँ, ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। आपने इससे पहले एक और सवाल पूछा था, उसका भी जवाब दूंगी, इसका भी दूंगी। आपने कहा था लोग वीडियो क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं? चुनी हुई सरकार, लोकसभा चैनल जो चेंबर के अंदर दिखाया जाता है उस पे कुछ और आता है और जो रिले लोकसभा के बाहर हो रहा है वहां पर कुछ और हो रहा है। ये मैं नहीं, ये पूर्व आईएनपी मिनिस्टर मनीष तिवारी जी का कहना है, बहुत ठहरे हुए व्यक्ति है वो कह रहे हैं इस बात को। तो देखिए देश में क्या हो रहा है। मैं फिर से कहूंगी, राज्यसभा टीवी से मेरी डिमांड है कि पूरा वीडियो निकालिए। आप हमसे क्यों डिमांड कर रही है कि हम वीडियो डालें? नहीं नहीं, वहां पर लोग वीडियो बना रहे हैं। अब सदन के भीतर कुछ भी वीडियो रिकॉर्डिंग बना है? सदन के भीतर वीडियो रिकॉर्डिंग बना है? मैं पूछूंगी गौरव भाटिया से ये सवाल कि ये वीडियो का कौन सा गेम खेला जा रहा है, क्योंकि दोनों के लिए ये बातें लागू होती हैं। लेकिन विपक्ष, एक मिनट सुनिए मैडम, सुनिए मेरी बात। वहां पर बहुत सारे ऐसे सांसद जिनके हाथ में मोबाइल फोन है और वो वहां की तस्वीरों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि ये सिरे से मना है, ये रूल बुक में लिखा हुआ है।
उसके बावजूद अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो जवाबदेह आप लोग बनेंगे, लेकिन गौरव भाटिया जी वो कह रही है 3 मिनट का वीडियो कहां से आ गया है सामने। रूल बुक में सबसे पहले ये लिखा है कि ये तो नहीं लिखा ना महिला सांसदों को आप एडी के नीचे पिटवाएंगे, उनके हाथ तोड़वा देंगे। अगर उस पर मैं सवाल कर रही हूँ उसका वीडियो कहाँ पर है, क्यों रिले बंद कर दिया गया राज्यसभा।